हेलो जयंत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिकिंग एप्स में। और आज नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आंसर आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं तो शुरू करते हैं। देखिए, देखो जैसे दिया है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? देखिए तो 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, यही तो बचते हैं। फिर कहा है इस संख्या को 15 से भाग देने पर, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यदि हम 47 को 15 से भाग दे दें तो कितना बचेगा? 15 × 3 = 45, कितना बचा? 2। यही हमारा आंसर हो गया। फिर से समझ लो, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? इस 47 में शेष बचते हैं उस संख्या में हम भाग देंगे, 15 × 3 = 45, कितना? 2 शेष बचा। सॉल्व हो गया। और भी देखते हैं क्वेश्चनों को। जैसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना आता है? 132। 132 में हम 25 से भाग दे देंगे, 132 ये लिखा है, इसमें 25 से भाग दे दो तो शेषफल कितना आएगा? 25 × 5 = 125, कितना बचा? 7। तो इसका आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चनों को, फिर से समझ लो, 175 से भाग दे, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? 132 में 25 से भाग दिया तो 7 शेष आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 91 से भाग दिया तो कितना आया? 17 मिलता है। और 13 से भाग दें तो हम 17 में 13 का भाग दे देंगे, 13 × 13, कितना बचा? 4 बचा, तो हमारा हो गया 4 शेषफल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? 425 से विभाजित किया है तो शेषफल 45 आया है, 17 से भाग दें तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसमें 45 में 17 से भाग दे दें तो 45 में 17 से भाग देंगे, 17 × 34, तो कितना बचा? 17 × 51, ज्यादा हो जाएगा तो 34, यानी बच गया यहां पर आपका 34, 6 × 5 = 11, इसका आंसर आ गया 11, शेष 11 बच गया। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और आप इसी तरीके से मेरा हौसला बुलंद रखे रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।